मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा अंचल कार्यालय में सक्रिय मन के अतिक्रमण मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट लहजों में कहा कि अतिक्रमण की वजह से सक्रिय मन में मछली पालन समेत इससे जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, लिहाजा अवैध रूप से सक्रिय मन की भूमि को अतिक्रमण करने तथा संबंधित कामों में व्यवधान डालने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस कड़ी में तमाम अतिक्रमणकारियों को अविलंब भवन सामान सहित सभी तरह के कब्जे को हटाने का निर्देश दिया गया है। राज, किन मामलों की सुनवाई हुई? भट्टा सकड़ी मन का जलकर का जो अतिक्रमण है उसका सुनवाई रखा गया था जी। उन लोगों को देखा गया, उन लोग आए थे बताया कि हाँ हमारे द्वारा मतलब मैक्सिमम लोग मतलब घर तो नहीं बनाया गया मगर हमारे पीछे नदी था मतलब उसमें थोड़ा सा अतिक्रमण किया गया है जी। तब उनको बताया गया है कि 2 दिन के अंदर सब खाली कीजिए, अंतर प्रशासन द्वारा खाली करा दिया जाएगा। कितने लोग होंगे ऐसे अतिक्रमणकारी? 17 लोग हैं। सभी को नोटिस जारी किया गया? हाँ। तो आज उन मामलों की सुनवाई हुई? सुनवाई थी। एक दो लोग चाहे नहीं आए हैं, 3-4 लोग और लोग आए थे। तो कब तक समय दिया गया है खाली करने का? 6 तारीख को तक खाली कर दिया। खाली नहीं होने की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी? प्रशासन द्वारा खाली करा दिया जाए, सख्ती बढ़ती जाएगी। और सकड़ी मन में 2 पार्ट है जी। एक पार्ट में 63 लोग को दिया गया था जिसकी कल सुनवाई हुई थी, मेरी ड्यूटी लगी थी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, इसलिए हमारे आरओ साहब सुनवाई किए थे जी। तुमको भी बताया गया है कि 6 तारीख तक खाली किए, प्रशासन द्वारा 6 को ही खाली करा दिया जाएगा। सभी लोगों को समान आदेश दिया गया? समान आदेश दिया गया।